हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्क्रीन फिक्सर में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं ओप्पो F17 का आपको ग्लास चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका दिखाऊंगा मैं, तो समय ना वेस्ट करके दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हल्का हल्का सा चारों तरफ पेट्रोल डाल लें, पेट्रोल ब्लेड से जैसे हम डालते ही हैं पेट्रोल डाल लें। पेट्रोल हम इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों, इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है जिस पर डिस्प्ले चिपकी होती है। तो दोस्तों, जो भी प्लास्टिक का फ्रेम हो उस पर आप IP लिक्विड ना यूज़ करें। अगर आप उस IP लिक्विड यूज़ करेंगे तो वो निकलने की जगह और चिपक जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल हल्का सा ब्लेड से डालें और हल्का सा हीट करें तो बड़े आराम से ये आपका डिस्प्ले बाहर आ जाता है। और थोड़ा सा किसी कोने से उठा के और इसमें हार्ड पन्नी डाल दें और घुमा दें, बहुत ही आराम से निकल जाता है डिस्प्ले। तो जैसे कि आप देखेंगे, अभी हम इसमें एक कोने से हार्ड पन्नी डालेंगे और ये बहुत ही आराम से निकल जाएगा। उसके बाद हम फ़ोन खोल के इसका डिस्प्ले पूरा बाहर निकाल के कटिंग कर लेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितना आसान आसान तरीका आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप कोई भी ग्लास चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। तो ऐसे ही आपको हम डेली कोई ना कोई नया मॉडल आपके लिए लाते रहेंगे और बहुत ही आसान तरीका आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करना है, ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखना है। दोस्तों, आपका मोटिवेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मोटिवेशन बनाए रखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों, वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, वीडियो शेयर करना बहुत अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे भाई नए जो काम कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने खोल लिया है फ़ोन, तो फ़ोन खोल के इसका डिस्प्ले का पत्ता हटा के ओनली नीचे से ही खोल लें, ऊपर से खोलने की ज़रूरत नहीं है। LED AMOLED डिस्प्ले है तो आपको ऊपर से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से इसका डिस्प्ले आप निकाल सकते हैं। हल्का सा पेट्रोल अगर कहीं पे भी लगाएंगे और हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो वो वहाँ से एकदम से छोड़ देता है। तो इसमें निकालने में कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप निकाल लें इसको, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो देख लीजिए, जैसे कि लगभग निकल ही गया है डिस्प्ले। दोस्तों, AMOLED डिस्प्ले आप बहुत ही आसानी से AMOLED, कोई सी भी डिस्प्ले हो, AMOLED डिस्प्ले का बहुत आसानी से आप ग्लास चेंज कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आती इसमें। AMOLED डिस्प्ले ऐसा नहीं है कि ख़राब भी नहीं होती है, बस एक चीज़ का ध्यान रखें, AMOLED डिस्प्ले आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। जब भी आप निकालें, फ्रेम से बाहर निकालें, डिस्प्ले मुड़नी नहीं चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें निकालने में। बस ज़ोर ज़बरदस्ती आप करेंगे तभी डिस्प्ले टूटती है, नहीं तो AMOLED डिस्प्ले ख़राब नहीं होती है। बस इन चीज़ों का ही ख्याल रखना है आपको। दोस्तों, AMOLED डिस्प्ले आपकी ख़राब होगी जब आप उसमें अलग अलग केमिकल यूज़ करेंगे। कभी आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, कभी आपने फेल्कोन डाल दिया, कभी आपने ग्लू क्लीनर डाल दिया, या आपने और कोई केमिकल डाल दिया। तो दोस्तों, AMOLED डिस्प्ले तभी ख़राब होगी, तभी ब्लैंक होगी, ये गलती कभी ना करें दोस्तों। तो देख लीजिए, कटिंग कर लेते हैं दोस्तों इसकी। तो ये थोड़ी सी ना इसकी ग्लू ओप्पो F17 की थोड़ी सी टाइट है, तो इसमें वायर नहीं जा रहा था, तो इसमें हमने ब्लेड से जगह बना के तब वायर फिर डाला। तो थोड़ा सा इसका टाइट है ग्लू, थोड़ा सा टाइट भी कटता है। और जो टेम्परेचर है इसका, टेम्परेचर आप 100-105 तक रख सकते हैं कटिंग के टाइम, 100-105 तक का टेम्परेचर आप रख सकते हैं बड़े आराम से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100-105 तक का टेम्परेचर रखें। और थोड़ा सा कटिंग में टाइट है ग्लू, तो थोड़ा धीरे धीरे वायर चलाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा वायर ज़्यादा भी टूटी थी,
तो वायर आप धीरे धीरे चलाएंगे कि तो वायर नहीं टूटेगी। और वैसे भी इसमें वायर जो मैंने यूज़ किया था वो वायर 0.5 मैंने यूज़ किया, तो इसलिए थोड़ा सा वायर टूट भी ज़्यादा रहा था क्योंकि 0.5 पतला वायर है, तो इसमें मैंने पतला वायर यूज़ करा था तो थोड़ा वायर टूटा भी इसमें। तो आप 0.4 भी यूज़ कर सकते हैं, आप 0.5 भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो आप जो भी देख लेना जो सा आपको यूज़ करना है। वैसे मैं ज़्यादातर प्रेफर पतली वायर ही करता हूँ, ज़्यादा जितनी पतली वायर हो, जितनी पतली वायर होती है उससे रहता है कि फिल्म कटने का जो वो है, फिल्म में जाने का वो कम होता है, वो रिस्क कम हो जाता है, मैं इसलिए पतली वायर यूज़ करता हूँ। तो आप 0.4 भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए जैसे डिस्प्ले अलग हो चुका है, थोड़ा ये थोड़ा सा जो मोटा ग्लू है वो हम ग्लू रिमूवर से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम इसको पेट्रोल से क्लीन कर लेंगे। तो साफ़ करने में दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है साफ़ करने में। बस इस LED जो भी AMOLED डिस्प्ले होती है उस पर आप ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, बस ज़ोर ज़बरदस्ती से ही डिस्प्ले टूटेगी आपकी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। और ज़्यादा नहीं, इस Oppo F17 को आप आधे घंटे में आराम से बना सकते हैं, बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आधे घंटे में आप प्रॉपर डिस्प्ले बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो देखते रहिए, आप वीडियो में बने रहिए। तो ग्लू साफ़ हो चुकी है, ग्लू रिमूवर से हमने साफ़ कर ली मोटी मोटी ग्लू, अब आप इसको पेट्रोल से बिल्कुल क्लीन कर लें। और दोस्तों देख लीजिए, मैं डिस्प्ले आपको चेक करा देता हूँ, डिस्प्ले आप खुद ही चेक कर लो। दोस्तों LED AMOLED डिस्प्ले ख़राब ही नहीं होती, AMOLED डिस्प्ले 2-3 कारणों से ही ख़राब होती हैं, या तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या आप उसमें बदल बदल के लिक्विड डाल रहे हैं, बस इन्हीं चीज़ों से ख़राब होगी डिस्प्ले आपकी। अदरवाइज़ आपकी डिस्प्ले, मैं गारंटी लेता हूँ, आपकी डिस्प्ले ख़राब नहीं हो सकती। आप ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, बदल बदल के लिक्विड ना डालें, और ज़्यादा हीट ना करें, ज़्यादा देर तक हीट ना करें। आप 100-105 पे इसको 15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ दोगे तो डिस्प्ले आपकी ब्लैंक होगी होगी। तो कटिंग करते वक्त ज़्यादा ज़्यादा आपके 5 मिनट लग जाएंगे, कटिंग करने में 6 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो आपको लगेगा नहीं। तो 100-105 हीटिंग इसके लिए बहुत है। इस पर आप अगर 100-105 पे अगर 15 मिनट भी आप डिस्प्ले रखेंगे तब भी आपकी डिस्प्ले ख़राब नहीं होगी। तो देख लीजिए, पेट्रोल से इतनी जल्दी साफ़ हो जाती है, इतना मतलब आप कोई भी केमिकल यूज़ करके देख लेना, आप मेरे को कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना कि पेट्रोल से आपकी AMOLED डिस्प्ले कितनी जल्दी साफ़ हुई है। जो जो जिन जिन भाइयों को, जिन जिन मेरे दोस्तों को दिक्कत आ रही थी ग्लू साफ़ करने में, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि पेट्रोल से आपका ग्लू कितना जल्दी साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो देख लीजिए, जैसे डिस्प्ले हो ही चुकी है साफ़ करने में मेरे हिसाब से 1-1.5 मिनट लगता है। कई भाई कहते हैं कि LED डिस्प्ले को साफ़ करने में हमें आधा घंटा लग जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ कितनी देर लगती है ग्लू साफ़ करने में, कुछ भी नहीं है ग्लू साफ़ करने में, तो आप खुद ही देख लीजिए। देख लीजिए, हो गई है ग्लू साफ, और नीचे थोड़ा सा कहीं अगर कोने में है तो वो पूरा क्लीन कर ले लीजिए, साफ हो चुकी है डिस्प्ले। OCA अब इसमें लगा लेते हैं, OCA
आप अगर ना लगाना चाहें तो OCA का ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। हम दोस्तों ज़्यादातर वो विदाउट OCA ही ग्लास मंगाते हैं, तो हम OCA लगा लेते हैं। आप चाहें तो अब OCA वाले सारे ग्लास आने लगे हैं, तो आप OCA वाला ग्लास लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप OCA वाला ग्लास यूज़ करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका थोड़ा टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इतना सपोर्ट, इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं, इतना मोटिवेशन आप बढ़ाते हैं हमारा। तो दोस्तों ऐसे ही प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहना, और हम ऐसे ही आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, आपके लिए नए नए सॉल्यूशन, नए नए मॉडल्स के ग्लास चेंज की वीडियो पूरी डिटेल के साथ एक एक बारीकी आपको हमेशा बताते रहेंगे। तो ऐसे ही आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों ग्लास इसमें लगा लेते हैं। ग्लास लगाने के लिए दोस्तों बस थोड़ा साफ़ सफाई का ना आप ध्यान रखें, बस थोड़ा साफ़ सफाई का ग्लास चेंज में आप ध्यान रखेंगे ग्लास के काम में, तो दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग वाला काम आता है। अगर आप साफ़ सफाई से काम करेंगे ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, क्योंकि दोस्तों डस्ट से भी बबल बहुत ज़्यादा आते हैं, और बबल आते हैं तो बहुत बेकार लगते हैं। तो दोस्तों ग्लास लगाने से पहले एक बार ग्लास भी देख लें, कोई ग्लास के ऊपर कोई डस्ट ना हो। दोस्तों हम तो खैर जहाँ काम करते हैं तो हमारा तो पूरा पैक है, पूरा जहाँ पे हम ग्लास का काम करते हैं वो पूरा पैक करवा रखा है, तो डस्ट फिर भी आ ही जाती है। तो आप भी डस्ट का बहुत ध्यान रखें ग्लास के काम में, डस्ट जितना आप कम रखेंगे, जितना आप डस्ट फ्री रहेंगे, उतना आपका काम बहुत ही फिनिशिंग वाला होगा। तो देख लीजिए जैसा कि ग्लास फिट कर लिया। और दोस्तों जो पंचिंग की सेटिंग रहती है वो आप बहुत ध्यान से देखें, नहीं तो बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं सर इसमें पंचिंग क्या रखी थी, इसमें क्या रखी थी। दोस्तों हर एलसीडी की अलग अलग सेटिंग है, तो आप वो सेटिंग ज़रूर देख लें और वही सेटिंग आप मशीन में रखना करें, जो LCD आप बना रहे हैं। तो LED की अलग सेटिंग है, पेपर डिस्प्ले की अलग है, एज डिस्प्ले की अलग है, LCD की अलग है, तो आप वही सेटिंग आप देख लें, वही सेटिंग रखा करें। उस सेटिंग से आपके एक तो पंचिंग सही होगी और डिस्प्ले टूटने का रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और बबल आपके बिल्कुल ज़ीरो आएंगे, बबल लगभग ज़ीरो। अब इसमें एक मिनट में बबल निकल गए। अब हम डिस्प्ले इसकी चेक कर लेते हैं, देख लीजिए दोस्तों डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले ख़राब ही नहीं होती है कभी, वो ख़राब होगी ज़ोर ज़बरदस्ती से ख़राब होगी, बदल बदल के केमिकल यूज़ करोगे तो ही ख़राब होगी, अदरवाइज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आप 100 डिस्प्ले बना रहे हैं तो 100 में से एक भी ख़राब नहीं होगी आपकी। तो बस आप ऐसे ही रूल जो भी आपको स्टेप हम बताते हैं तो वो फॉलो करेंगे, तो आपका एक भी डिस्प्ले ख़राब नहीं होगी। बस दोस्तों देख लीजिए आपके सामने है, डिस्प्ले रेडी भी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, फिनिशिंग आप खुद ही देख लेना डिस्प्ले में क्या फिनिशिंग आती है। ग्लू आप प्रॉपर लगा लें, ग्लू सही से लगाया करें, इतना भी ना भरें, बस जो बॉर्डर होता है जहाँ पे ग्लास पेस्ट होता है वहाँ पे प्रॉपर ग्लू लगा लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर देना, आपको बहुत ही आसान तरीका हम बताते हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो दोस्तों बनता है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी नई वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगी। हम ऐसी वीडियो ही डालते हैं अपने चैनल पे और डेली ही डालते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, आपको डेली नोटिफिकेशन आएगी, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों पैक कर लिया है सेट, अब आपको ऑन करके भी दिखा देंगे, चेक करा देंगे, आप खुद ही चेक कर लेना कि ग्लास कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है। आप खुद कमेंट में बता देना कि आपको ये तरीका कैसा लगा है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो ये भी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो दोस्तों जो ग्लू रह जाता है जब आप पैक कर लेते हैं सेट, तो साइडों में जो ग्लू रह जाता है उसे फैलकोन से बिल्कुल क्लीन कर लें। क्लीन करने से ये भी नहीं पता लगेगा आपको कि इसका ग्लास उतरा है या नहीं उतरा। तो हम भी जैसे क्लीन कर रहे हैं तो आप भी ऐसे क्लीन कर लिया करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही नए मॉडल का ग्लास चेंज करने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।